हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित प्रश्नावली 7.7, जिसके हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आगे आप पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, इसके साथ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 10वां और 11वां भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, 7वां सवाल है, 1 + 3x - x² है, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, करणी के अंदर वाली संख्या को 2 वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो 1 यदि देखें x वर्ग माइनस का है, तो माइनस चिन्ह हमें कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं तो x वर्ग धन का हो जाएगा, लेकिन 3x तो ऋण के हो गए होंगे। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3, तो 3 का आधा तो 3/2 होगा। तो 3/2 का वर्ग आपको जोड़ना है और घटाना है, ठीक है ना। 3/2 का वर्ग जो है जोड़ लेना है और घटा लेना है। तो 3/2 का वर्ग हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है ना। 3/2 का वर्ग, देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन है, इस वजह से जो है अंदर भले ही हमने प्लस लगाया है, लेकिन एक्चुअल में हुआ है माइनस, और यहाँ पे प्लस किया है, मतलब यहाँ पे आ गया 9/4 + 1, और यहाँ पे एक सर्व समीका बन गई एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 4 एकम 4 और 9 जोड़ दो तो 13/4 हो गए, और माइनस चिन्ह यहाँ पे एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 13/4 को देखो, 13 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो करणी 13 का वर्ग लिखना पड़ेगा, और 4 को 2 का वर्ग लिख लेते हैं। तो करणी 13 का वर्ग 13, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3/2 का वर्ग। तो आपको पहले 2 वर्ग बना लेने हैं, तो हमने यहाँ पे 2 वर्ग बनाए, एक तो करणी 13/2 का वर्ग बनाया, और फिर माइनस चिन्ह लगाया, और एक्स माइनस 3/2 का वर्ग। तो यहाँ पे अब फार्मूला ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग का समाकलन का जो होता है, ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग का हम लगाते हैं। तो यदि आप फार्मूला देखेंगे तो ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग का जो होता है, इसमें सीधा मान रख लेते हैं, तो 1/2 जांकेता लिखे, एक्स की जगह एक्स का मान आएगा, एक्स माइनस 3/2 आएगा मान, और करणी के अंदर ए वर्ग मतलब यहाँ पे करणी 13/2 का वर्ग करना होगा, तो करणी 13/2 का वर्ग माइनस एक्स वर्ग मतलब इस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, एक्स माइनस 3/2 का वर्ग, और प्लस जो है ए वर्ग मतलब करणी 13/2 का वर्ग करेंगे, और फिर जो है बटे में कितना था 2, तो बटे में 2 लिखेंगे, ए वर्ग रखा बटे में 2, फिर है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लिखेंगे, एक्स की जगह एक्स का मान रखेंगे, एक्स माइनस 3/2, और फिर बटे में क्या है, ए है, ए मतलब यहाँ पे करणी 13/2 रखेंगे, और प्लस जो है लास्ट में एक समाकलन स्थिरांक लिखेंगे सी। अब देखिए और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं, तो 1/2 एक्स माइनस 3 और 2/2 जांकेता हमने लिखे, और यहाँ पे देखिए करणी के अंदर यदि जो है 13/2 एक्स माइनस 3/2 का वर्ग है, इसे वापस वही संख्या आप बना दीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा फिर 1 + 3x - x² यदि यहाँ पे बात करें तो करणी 13 का वर्ग हो जाएगा, 13 बाहर 2 का वर्ग 4 आएगा, और 2 और बटे में है, तो यहाँ पे 13/4 यहाँ के 2 यहाँ के 4 2 8 बन जाएंगे, और साइन इनवर्स यदि देखें तो यहाँ पे 2x - 3 होगा, 2x - 3/2 एलसीएम लोगे यदि, और करणी 13/2 2 और 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2x - 3/13 आ जाता है, प्लस समाकलन स्थिरांक जाके ता यही आपका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और आप आंसर में बढ़ा सकते थे कि यहाँ पे 2x - 3 हो जाते, तो यहाँ पे 2x - 3 लिख सकते हो, और नीचे जो 2 LCM आता तो 2 दूनी यहाँ पे 4 बना सकते हैं, और जे वाली संख्या हमने जांकेता, और यहाँ पे 13/8 जांकेता लिखी, और बाकी जो साइन इनवर्स है जांकेता लिखा, और यहाँ 2x - 3/13 जांकेता लिखे, प्लस सी, जे भी आंसर आप लिख सकते हो। देखिए अगला सवाल, x² + 3x का हमें समाकलन करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, अंदर की संख्या को 2 वर्गों में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना, x² + 3x दिया गया है, आपके पास अंक कुछ भी नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, 3 का आधा जो होता है 3/2, तो 3/2 का वर्ग जो है हम क्या करते हैं, 3/2 का वर्ग एक बार जोड़ लेते हैं, और एक बार 3/2 का वर्ग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे x + 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर, तो 2 भागों में संख्या आपकी डिवाइड हो जाती है,
एक एक्स प्लस 3/2 का वर्ग बन गया है और दूसरा बना है 3/2 का वर्ग। अब जो है यहाँ पे आप फार्मूला समाकलन का लगा सकते हो, एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग का समाकलन। तो यदि आप एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग के समाकलन का फार्मूला लगाते हो तो क्या होता है, 1/2 x करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग, माइनस ए वर्ग 2 log x प्लस करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग प्लस सी। तो हमने क्या किया, 1/2 x की जगह एक्स प्लस 3/2 करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब जे वाली संख्या, एक्स प्लस 3/2 का वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब माइनस 3/2 का वर्ग और माइनस ए वर्ग मतलब यहाँ पे 3/2 का वर्ग करेंगे और फिर 2 लिखना है लॉग लिखेंगे, फिर जो है एक्स की जगह जे वाली संख्या लिखनी है एक्स प्लस 3/2 और फिर जो है प्लस करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब जे वाली संख्या आएगी एक्स प्लस 3/2 का वर्ग और फिर माइनस 3/2 का वर्ग लिखेंगे और प्लस जो है एक समाकलन स्थिरांक लगा लेते हैं सी। अब देखिए एक स्टेप यदि आगे सॉल्व कर देते हो तो यहाँ 2x+3/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x+3 और 2 हो जाएगा और दो और हैं पहले से जी 2 में तो फिर 4 लिख सकते हो ना, यहाँ पे 2x+3 और 2 हैं, 2 का और गुणा हो गया और करणी के अंदर देखिए इससे वापस यदि वही संख्या बना दी जाए तो एक्स वर्ग प्लस 3x आएगा, यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 2 और है तो नीचे हो गए 8, फिर क्योंकि 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 2 और हैं 2 में तो 8 हो गए लॉग और यहाँ पे जी संख्या जाकेता लिख सकते हो ठीक है ना, या यहां भी आप एलसीएम ले सकते हो, 2x+3/2 बना सकते हो और प्लस जो है यहां भी करणी के अंदर वापस जो है वही की वही संख्या बना दो, एक्स वर्ग प्लस 3x बना दो और प्लस समाकलन स्थिरांक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल दिया गया है 1+x^2, तो यहाँ पे ध्यान देना इसका समाकलन करेंगे तो कैसे इसका समाकलन होगा, तो पहली चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं सवाल को सरल बना लेते हैं, करणी के अंदर यहाँ पे देखिए 9 LCM हो जाएगा तो यहाँ पे 9+ ठीक है ना, यहाँ पे 9+x^9 इस टाइप से संख्या बन जाती है dx जाकेता। अब देखिए पूरे सवाल पे करणी लगी है तो 9 जो है नीचे से हम यदि बाहर कर लेते हैं तो नीचे से 9 बाहर करेंगे मतलब 1/(करणी 9) यहाँ पे 9 बाहर आएंगे जब करणी से तो 3 बन जाएंगे, अब बचा होगा करणी के अंदर 9+x^2 बचा होगा या x^+9 आप लिख सकते हैं ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 9 जब बाहर निकालेंगे करणी से तो 3 निकल के आएंगे। अब देखिए इसे आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि 1/3 और समाकलन एक्स वर्ग है ही, 9 को आप 3 का वर्ग बना लो तो यहाँ तो 2 वर्ग बने हुए हैं, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग का फार्मूला लगाएंगे। तो यदि आप फार्मूला लगाते हैं तो एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग का समाकलन क्या होता है, 1/2 x एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग प्लस ए वर्ग 2 log x प्लस करणी के अंदर एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग और एक समाकलन स्थिरांक लिख देते हो। तो यदि आप फार्मूला लगाते हो तो पहले तो 1/3 हमने जाकेता लिखी, अब फार्मूला लगा रहे तो कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं 1/2 x की जगह x ही रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग मतलब एक्स वर्ग की जगह एक्स वर्ग और ए वर्ग मतलब 3 का वर्ग आ जाएगा और फिर यहाँ ए वर्ग मतलब 3 का वर्ग आएगा और 2 लिखना है लॉग लिखना है और फिर जो है एक्स एक्स की जगह तो एक्स रखना है प्लस और एक्स वर्ग की जगह एक्स वर्ग ए वर्ग की जगह कितना आएगा 3 का वर्ग आ जाएगा और प्लस जो है लास्ट में आपको समाकलन स्थिरांक लिखना होगा पीछे कोष्टक की। अब देखिए 1/3 का यदि आप गुणा कर लेते तो 1/6 x यहाँ पे हो गए और करणी के अंदर यहाँ पे एक्स वर्ग प्लस 9 लिख दो और प्लस जो है यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1/3 का यदि आप इससे गुणा करते हो तो 1 3 तो कट जाएंगे तो बाकी तो 3/2 बचा होगा लॉग एक्स प्लस और यहाँ पे एक्स वर्ग प्लस 9 और समाकलन स्थिरांक जाकेता, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल है विकल्पीय सवाल है, प्रॉब्लम वाला बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 को हम 1 का वर्ग लिखेंगे, एक्स का वर्ग लिखा ही है, अब यहाँ पे एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग का फार्मूला बन जाएगा, चाहे यहाँ पे एक्स आगे लिख लो 1 पीछे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स का वर्ग ए और जो है 1 का वर्ग एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग करणी में फार्मूला बना लो। तो यदि आप फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर इस फार्मूला की हेल्प से देखो 1/2 x की जगह कितना रखोगे x रखोगे और करणी के अंदर x वर्ग प्लस a वर्ग मतलब x वर्ग प्लस जो है 1 का वर्ग करोगे
ठीक है ना। प्लस ए का वर्ग मतलब एक का वर्ग करोगे एक आएगा, और दो जाके ता और लॉग, और यहाँ पे एक्स जाके ता लिखोगे क्योंकि एक्स का मान एक्स है, प्लस जो है एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग मतलब एक्स वर्ग प्लस वन आ जाएगा, तो एक्स वर्ग प्लस वन लिख देते हो, प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप आंसर मिलाते हैं तो पहला आंसर बिल्कुल राइट होगा, एक्स बटे दो एक प्लस एक्स वर्ग एक बटे दो लॉग एक्स प्लस एक का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग प्लस सी, तो बिल्कुल जो है ए नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप ए नंबर का आंसर सही कर देना। देखते हैं अगला सवाल है, एक्स वर्ग माइनस आठ एक्स प्लस सात बताया गया, तो पहले आपको क्या करना है, इसे दो वर्गों में डिवाइड कर लेना है। दो वर्ग कैसे बना सकते हो, देखो एक्स वर्ग माइनस आठ एक्स लिखा प्लस सेवन थोड़ी हमने पीछे लिखी, अब आठ के आधे कितने होते हैं चार, तो चार का वर्ग आपको जोड़ लेना है, और एक बार चार का वर्ग क्या कर लेना है घटा लेना है। तो देखिए यहाँ तो एक्स माइनस चार का होल स्क्वायर बना लो, यहाँ पे यदि हम बात करें सात में से 16 यदि आप घटाओगे तो कुछ माइनस की संख्या बच जाएगी, कितनी बची होगी 9, क्योंकि 7 - 16 करो 9 बचे होंगे। एक्स माइनस चार का वर्ग बना लो और 9 को बना दो 3 का वर्ग, तो यहाँ पे दो वर्ग बना लेना है, एक्स माइनस चार का वर्ग बना दो और यहाँ पे 9 को हमने 3 का वर्ग बनाया, तो अब यहाँ एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग वाला समाकलन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यदि आप फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला यदि आप लगाते हो एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग का, तो देखिए क्या आंसर मिलेगा, एक बटे दो एक्स की जगह कितना लेना है, एक्स माइनस फोर लेना है, एक्स माइनस फोर, और फिर जो है करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब एक्स वर्ग एक्स माइनस चार का वर्ग माइनस तीन का वर्ग बनेगा, और इसे वापस हम वही संख्या आखिर बना देना है, तो फिर वही संख्या लिख लेते हैं, और ए वर्ग मतलब तीन का वर्ग 9 हो जाएगा बटे दो लॉग, और यहाँ पे एक्स की जगह कितना एक्स माइनस चार लेना है, तो एक्स माइनस चार, और प्लस जो है करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब जे संख्या, और इसे वापस बनाओगे वही संख्या, तो एक्स वर्ग माइनस आठ एक्स प्लस सात वही संख्या बन जानी, इसलिए हमने डायरेक्ट रखा प्लस सी, जे आपका आंसर होगा। अब आप मिलाते हो तो आपका डी नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।